आज हम सफर पर निकल गए हैं तुंगारेश्वर की ओर, जो कि वसई ईस्ट में लोकेटेड है। और तुंगारेश्वर मंदिर जो कि वसई रेलवे स्टेशन से कुछ 10-11 किलोमीटर दूर है। अगर आप हाईवे से जाते हो तो हाईवे से कुछ 2 किलोमीटर अंदर पड़ता है, और वहां पहुंच के आपको कम से कम 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है। अगर आप चढ़ नहीं पाओगे तो वहाँ पर लोकल्स अवेलेबल है, जीप वगैरह, जो कोई चार्ज लेते हैं और आपको मंदिर के पास छोड़ देते हैं। इसी तरह हमने भगवान का नाम लेते हुए चढ़ान स्टार्ट की। और हर महादेव का जाप करते हुए हम चले हमारे सफर की ओर। और सफर में कई सारे लोग मिले, कोई फल फ्रूट लेके जा रहे ऊपर, अपने भक्ति भाव से आए और कोई बस मनोरंजन के लिए आए। इसी तरह हमने पहाड़ी पर चढ़ाई चालू की और चलते ही चलते हमारे दर्शन हुए महादेव के, जो आपको देखने मिल जाएगा। इस प्रकार लाइन देखो बढ़ चुकी। सुबह आया था तभी खाली था, अभी देखो और भीड़ आ गई और बाहर तक लाइन है। मतलब समझो इनको 4-5 घंटा तो लगेगा दर्शन करने में। यहाँ पर नदी में सब नहा रहे हैं, अलग ही फील होगा जब गौमूत्र के बीच में मंदिर, अलग ही दर्शन होंगे महादेव के। एक बार जरूर जाना, हर हर महादेव, हर हर भोलेनाथ कृष्ण। भगवान
राम राम है, राम राम है। आपने अभी देखा रहेगा कि हमारी मुलाकात एक महिला से हुई थी, जो हमें कुछ कह रही थी, जो हमें कुछ ज्ञान की बातें बता रही थी। इसीलिए कहा जाता है कभी समय मिले तो जरूर जाना किधर बाहर, कई नए लोगों से मुलाकात होगी, वहाँ से कुछ अलग ज्ञान की प्राप्ति हमें मिलेगी। यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, बट चलो ठीक है, देखते हैं। अभी फिलहाल ये आजू बाजू को पूछ रहे हैं, अगर आजू बाजू फोटो मिला तो वहाँ पर जाएंगे, तो फिर देखते हैं। क्राउड अच्छा खासा है। फिर हम पहुँचे हमारे वागोबा वाटरफॉल, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। वहाँ पे जाके पता चला कि वहाँ पे जो वाटरफॉल है वो बंद है, वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो बस वहाँ से थोड़ा घूम के हम फिर से निकल पड़े घर की ओर।